पॉपुलर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल और हम बात करते हैं चुनाव की। शाहपुर विधानसभा से अभी अभी पंडित गंगाधर पांडे ने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं और उन्होंने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। उनसे बात करते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वो इस बार जनता के बीच जाएंगे। इस बार आप अभी आपने नामांकन किया निर्दलीय, आप बोल रहे थे जदयू से तैयारी भी कर रहे थे, क्या कहेंगे इस बारे में? आपके माध्यम से तमाम दर्शक बंधुओं को मेरा नमस्कार है। मैं पूरा से भरे दिल से और आंसू भरे नेत्र से आज मैंने नामांकन किया। मैं नीतीश कुमार जी का समर्पित सिपाही रहा हूं, सेवा किया हूं और उनके दिशा निर्देश पर मैं संपूर्ण बिहार में और मुख्य तौर पर शाहपुर विधानसभा में मैंने गांव गांव टोले टोले जा कर के सेवा करने का काम किया हूं। यहां की जनता उब चुकी थी दो परिवारों के कब्जे से, और वैसे परिवार जो पूर्णतः राजनीति से अलग थलग रहे हैं और पूर्णतः नॉन पॉलिटिकल पर्सन कहा जाए, नॉन पॉलिटिकल फैमिली कहा जाए, वैसे लोग, और आज जनता चाहती है कि वैसे लोगों से शाहपुर की मुक्ति हो। तब गंगाधर पांडे तीसरा विकल्प के रूप में आज नामांकन करने के लिए आया है और मैंने नामांकन पर्चा दाखिल किया। गठबंधन के बावजूद आपने निर्दलीय नामांकन? निश्चित रूप से गठबंधन यदि जनता के बीच से जनता की सेवा को टिकट देती तो मैं स्वीकार करता, लेकिन वही पुरानी बात, वही पुराने प्रत्याशी, वही पुरानी नीति। राजनीति में आज नीति और सिद्धांत की बातें ताक पर रख दी गई। वैसे लोग आ गए जिनसे जनता त्रस्त है, उब चुकी है, कभी वोट नहीं करने जाएगी। शाहपुर विधानसभा के विकास के किन मुद्दों को लेकर इस बार आप जनता के बीच जा रहे हैं? शाहपुर में विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। शाहपुर में जो बजट था, बजट के अनुसार एक रूटीन वर्क में काम हुआ है। द्रुत गति से विकास की धाराएं नहीं बही है। विकास को मैं पूर्णतः गति प्रदान करने का काम करूंगा और आम आवाम को जागरूक करने का काम करूंगा और राजनीति की खोई हुई प्रतिष्ठा गरिमा को मैं पुनः बहाल करने का काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना धन्यवाद आपका। आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने शाहपुर विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं और इन्होंने इस बार निर्दलीय नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। चुनावी मैदान में उतर गए हैं जदयू नेता गंगाधर पांडे। टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर निर्दलीय ही कर दिया नामांकन। शाहपुर विधानसभा से कई उम्मीदवारों ने आज नामांकन का पर्चा भर दिया। कल तक जदयू से टिकट मिलने की बात करने वाले जदयू नेता गंगाधर पांडे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। शाहपुर विधानसभा की सीट बीजेपी के खाते में गई है। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार मुन्नी देवी हैं। इसके बाद बुधवार को चुनावी मैदान में उतरकर गंगाधर पांडे ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। आइए